नमस्कार पिकके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे प्रिय साथियों आज हम आपको एक नए वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आज के बाद हम एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें टेंथ क्लास का सभी विषय का वीडियो हम बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन का समावेश होगा ताकि दो में जो विद्यार्थी मैट्रिक की तैयारी करते हैं वह बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके और बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सके तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेरा यह पहला वीडियो है मैट्रिक के लिए और जिसमें अर्थशास्त्र का हम बनाने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है, है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास तो चलिए बिना समय को गवाएं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में आने वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम इस पर ऑनलाइन कराने जा रहे हैं नई पद्धति का शुरुआत आज से करते हैं चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाएंगे थोड़ी एक दो लाइन चर्चा करते हैं पंद्रह अगस्त उन्नीस को हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेज दो सौ वर्षों तक भारत पर शासन किया और भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय सोने की चिड़िया का वह भरपूर शोषण किया था तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लगाते हैं इस चैप्टर का बिना समय को गवाए हुए चलिए तो आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे सब्जेक्टिव भी देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का इनमें निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है एक में सेवा क्षेत्र दो में कृषि क्षेत्र तीन में औद्योगिक क्षेत्र चार में इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा ख कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो डायरेक्ट हम उत्तर की ओर चलते हैं समय को बिना गवाए हुए इसका आंसर होगा भारत ऑप्शन ग सही है आप लोग मेरे साथ भी टिक लगाने का प्रयास करेंगे और आपका क्या उत्तर सही गया कमेंटमेंट करेंगे इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है मेरे मित्रों वह देश विकसित देश कहलाता है इसका राइट आंसर होगा विकसित नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है तो पिछड़ा राज्य की श्रेणी में हमारा बिहार आता है ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है भरने वाला रिक्त स्थानों की पूर्ति करें भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था तो भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिवेश नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया उसमें हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और वह दो सौ वर्षों तक शोषण किया था लगभग अर्थव्यवस्था अजीबका अर्जन की डैश है तो मेरे मित्र इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली है तो प्रणाली नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र डैश को कहा जाता है तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र को और प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है प्रथम क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जो कृषि क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है पांच नंबर क्वेश्चन आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है तो परिवर्तन की प्रक्रिया है क्या आंसर होगा इसका परिवर्तन की प्रक्रिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन नेक्स्ट क्वेश्चन है सात नंबर आर्थिक विकास की माप के लिए आर्थिक विकास की माप के लिए हम डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है तो सात का आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है आठ में साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है तो साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डैश ही जीवन का आधार है तो बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है क्योंकि अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है नेक्स्ट क्वेश्चन दस नंबर बिहार के विकास में डैश एक बड़ा बाध बाधा बाधक है कौन सी बाधा करता है बिहार के विकास में बाढ़ बहुत ही बड़ा बाधक है तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़ तो मेरे मित्रों यह एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस तरह से बारी बारी से सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेंगे अगर आपको कोई सीरीज पहले चाहिए तो आप हमें कमेंटमेंट करें जिस विषय का आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हम उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे ये मेरी शुरुआत थी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे श्रेणी से पास करें उच्चतम स्कोर करें तो आज ही मेरे चैनल पी केवी मैथ को सब्सक्राइब कीजिए साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को देखना न भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद